हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैयद मोहसिना VT बाय ITRC कंपनी। आज हम जिस यूनिट की बात कर रहे हैं उसका नाम है राइटिंग स्किल्स, और उसके अंडर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस। तो इसके पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा चुकी हूँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस के बारे में। Different types of sentences. तो पहले की बात हम करेंगे simple. Simple sentence क्या होता है? Has one independent clause. It may contain phrases, compound subject, compound predicate. दूसरा हमारे पास आता है compound. Compound sentence क्या होता है? जिसके अंडर आपके पास two independent clauses आएंगे joined by semicolon, conjunction or a comma. तीसरा आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और आपका जो लास्ट वाला है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज। द फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, इसके अंडर आपका आएगा क्वेश्चन मार्क, इम्पेरेटिव, इसमें आपकी आती है कमांड जो कोई दी गई हो, और चौथा आपका आता है एक्सक्लेमेटिव। एक्सक्लेमेटिव मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क होगा इसमें, तो आपको पता चल जाएगा इन जो ये इनके साइंस हैं इनसे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। ओके, तो हम लोग देखते हैं आगे इसके। डिक्लेरेटिव, देखें डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो टेल्स समथिंग, जो आपको कुछ किसी बारे में बता रहा होगा, और ये हमेशा एंड होगा किसके साथ? एंड करेगा विद अ पीरियड। पीरियड मतलब फुल स्टॉप। फिर आएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये एंड किससे होगा? क्वेश्चन मार्क से। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्या होगा? कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करेगा, एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, और किससे होगा? एंड्स विद अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक। राइटिंग स्किल्स में हम अब पैराग्राफ की बात करेंगे। जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो आप पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो पैराग्राफ में आप लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग होगी वो हमेशा कैपिटल लेटर्स से होगी, और उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको या तो पूरा एक ही जो आपका होगा पेज में आ जाएगा, या आप उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। राइटिंग स्किल पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे एक जो जिसका नाम है लड़की का, वो दिव्या, वो बुक रीड कर रही है, ठीक है। देखिए ये दिव्या जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, जब ये रीड कर रही है तो ये हमारे पास वर्ब आ रहा है, और जो ये बुक है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा सेंटेंसेस के बारे में। तो टेकिंग योर लीव, सईद मोहसिना।